सवाई बंजारी नगर स्थित राजाबाग की ऐतिहासिक दरगाह में हजरत बाबा सैयद साहब रहमतुल्ला अली के सालाना उर्स का आगाज हो चुका है। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस पवित्र आयोजन में देश भर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इस मौके पर सिराज शेख व शेख परिवार की ओर से जारिंग का वितरण किया गया, जिसका हजारों श्रद्धालुओं ने आनंद लिया। साथ ही सभी लोगों के लिए नेत्र जांच शिविर का आयोजन भी किया गया। उर्स की शुरुआत कुशाई की रस्म के साथ हुई, जिसे दरगाह पंच कमेटी के अध्यक्ष जनाब सिराज शेख रमजान शेख ने अदा किया। मंगलवार को पंच कमेटी की ओर से सामाजिक उपक्रम के चलते सार्थक बहुदेशीय संस्था के सहयोग से दरगाह परिसर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था। उर्स के दौरान हर शाम 7 बजे महफिल कव्वाली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सूफी कव्वाल अपने कलाम पेश करेंगे। मंगलवार को कुल शरीफ की फातिहा के साथ और उसका समापन हुआ और इसके बाद लंगर का आयोजन किया गया। मंगलवार को दरगाह परिसर में कव्वाली का आयोजन भी किया गया था। पंच कमेटी ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस पवित्र अवसर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर बाबा के रूहानी आशीर्वाद से लाभान्वित हो। राज सवार दरगाह वंजारी नगर सैयद साहब के सालाना उर्स है। आज इस उर्स के मौके पर जनाब सिराज भाई शेख अध्यक्ष इनके माध्यम से आज यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये दरगाह। सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। आज उर्स के मौके पर उनके तरफ से निःशुल्क आंखों की जांच, मोतीबिंदु ऑपरेशन का शिविर रखा गया है। भानुदाई गडकरी स्वर्गीय भानुदाई गडकरी ग्रामीण विकास संस्था केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी इनके माध्यम से यहाँ पर आंखों की जाँच की शिविर की गाड़ी आई है। इसमें सभी लोग आँख जाँच कर रहे हैं, उनको चश्मे दिया जा रहे हैं और जिन्हीं लोगों को चश्मे के अलावा ऑपरेशन अगर रहता है तो ऑपरेशन फ्री में किए जाएंगे। और यहाँ पर उर्स के मौके पर सभी नागपुर वासी आते हैं और यहाँ पर दुआ मांगते हैं ताकि इस नागपुर शहर में और सभी को सुखी रहे और सभी लोगों की इस उर्स मौके पर हार्दिक बधाई है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।